दिनिकिया ब्रह्मपुर ग्रस्तरी आसिछंती अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी संपादक मोहम्मद शाहनवाज चौधरी। ब्रह्मपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचा पर मोहम्मद शाहनवाज चौधरी को गंजाम जिला कांग्रेस कमिटी पक्ष भव्य संवर्धना ज्ञापन कर कार्यालय उपस्थित थिबा जिलार विभिन्न अंचल आसिथिबा कांग्रेस कर्मी को नहीं कर्मी सम्मेलन अनुषित होता। गत निर्वाचन में गंजाम जिले में कांग्रेस किभली प्रदर्शन करथिला और आसंता निर्वाचन में कांग्रेस भल प्रदर्शन करिपारिबो से नहीं कांग्रेस कर्मी को गुरुमंत्र देथिले एआईसीसी संपादक। सेपरी कांग्रेस तृणमूल स्तर में आहुरी संगठित हो निर्वाचन लड़िबो और लोकों आस्था भाजन हो पारिबो से नहीं पुंखानुपुंख भाव कर्मी आलोचना करथिले एआईसीसी संपादक। 2019 अपेक्षा 2024 साधारण निर्वाचन कांग्रेस भल एवं कांग्रेस देश सह राज्य सरकार गढ़ी एआईसीसी संपादक। यह अवसर में कांग्रेस छाड़ किसी कर्मी पुणी कांग्रेस में सामिल होते। कार्यक्रम में गंजाम जिला पूर्व कांग्रेस सभापति दीपक पटनायक समेत जिला कांग्रेस कमिटी बहु नेता और कर्मी उपस्थित रही। वर्तमान कर्मी महल उत्साह अच्छी एवं नेतृस्थानीय लोकंर उत्साह बढ़ी जाइए कारण दीर्घ दिन पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी जो प्रकार कार्यक्रम हाथ को नहीं आज आपण मैंने आगु के ब्रह्मपुर सहर जड़े ऑल इंडिया सेक्रेटरी को देखी थे कि सी निजे आसिक आज पहुँची बर्तमान ये संगठन जिलार केमी चलती कौन चलती कांग्रेस स्थित कौन ताक सी अनुधान करूँ आई प्रकार अनुधान चल ये कर्मी मैंने उत्साहित हे नेतृस्थानीय लोक उत्साहित हे निश्चित भाव कांग्रेस 2024 भल कर सी शुणु बर्तमान बहुत लोक जगिकी बस आस भी जाऊँ कारण दीर्घ 24 वर्ष नवीन पटनायक जो करप्शन कर दीर्घ 10 वर्ष नरेंद्र मोदी केन्द्र जो मिछ कथा कहीकि बेकार युवक चाकरी कला टंका जमा करदेबु नवीन सरकार जन अफिसर को रखिकी से ओडिशा लोकंर किसी दुख बुझे ना से लोक उत्त्यक्त हो जाते निज दोष दुर्बलता घोड़ाइवाई आपण मैंने देखिथे आपण गणमाध्यम प्रत्येक दिन कोटि कोटि टंकार एडवर्टाइजमेंट दिहे कहीं दिहे कारण तर इंटेलीजेन्स रिपोर्ट कहे सरकार पतन सुनिश्चित तेणु उभय बीजेडी बीजेपी सहित कोलाकोली होई उभय उभय को विवाह करी ओडिशार लोक ठकिया चेष्टा कराकिशार जनसाधारण जा सारे तेणु 2024 निश्चित भाव कांग्रेस को क्षमता को आने संगठन आम आहरी आलोचना चलती प्रथम पर्याय चली परवर्त अवस्था आम आहरी आलोचना पर्यालोचना चलो निश्चित भाव 2024 केन्द्र में कांग्रेस सरकार कर दृढ़ विश्वास अच्छे शुणु 24 वर्ष भितर मुझे आरंभ कहली किसी हुए तो नेतृत्व अभाव थी जो कि लोक आमको 24 वर्ष बाहर को बाहर करदे आम नतमस्तक सम्मान सहित ग्रहण करूँ वर्तमान लोकंर जो प्रकार परिस्थिति लोक आ आपण देखिथे आसुची कांग्रेस लोकं विकल्प होची कांग्रेस जदि बीजेडी बीजेपी मिलित भाव में लड़े उभय उभय को मिलित भाव जब लड़े आपण मैंने कड़े जी कांग्रेस को निश्चित भाव आप आसवे कांग्रेस को से मन पकेबे। आज्ञा देखिए देखिए आज गंजाम डिस्ट्रिक्ट में सारे पार्टी के लोगों के साथ बैठक हो रही है और आने वाले चुनावों में किस तरीके से हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम बूथ लेवल तक हमारा नेटवर्क जो है वो बन चुका है और हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और ओडिशा की जनता मन बना चुकी है। इस बार के जो बाहरी लोग हैं नवीन पटनायक और पांडियन जिन्होंने ओडिशा पे राज किया है और ओडिशा के लोगों का शोषण किया है उनको बाहर का रास्ता जनता दिखाने को तैयार है। जनता इनके कारनामों को समझ चुकी है किस तरीके से इन्होंने घोटाले उड़ीसा में किए और यहाँ का सारा खजाना यहाँ के सारे रिसोर्सेज लूट के बाहर के लोगों को दे दिए चाहे माइंस का घोटाला हो चाहे चिट फंड स्कैम घोटाला हो ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रोजेक्ट है उसका घोटाला हो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उसका घोटाला हो ये सारे घोटालों में चोरी की है नवीन पटनायक ने और
कुछ अपने अमीर बाहर के साथियों को फ़ायदा दिया है। ओडिशा के युवा को आज ओडिशा में नौकरी नहीं मिल रही है, ओडिशा के फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिल रही है, ना ही गवर्नमेंट की नौकरी मिल रही है, हालांकि 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। वहीं किसानों पे और महिलाओं पे भी अत्याचार है। और हमने, कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि सरकार आते ही कुछ गारंटीज हमने जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में दी हैं, उसी तरह हम किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और यहाँ के ओबीसी वर्ग के लिए, ट्राइबल्स के लिए, सभी वर्गों के लिए हमने कुछ गारंटीज़ दी हैं। जो गारंटीज़ आप सब को मैंने बताई हैं वो आप लोगों तक बताएं और एक सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर हम सारी गारंटीज़ लागू करेंगे। एक दिन था या गंजाम में कांग्रेस का गढ़ था, गंजाम अभी वीक हो गया है कांग्रेस यहाँ पे, तो संगठन को बढ़ाने के लिए आप लोगों से बात किए, कैसे देख रहे हैं उत्साह, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि एक समय में गंजम मजबूत था संगठन, उसी तरह आज गंजम में कांग्रेस पार्टी दोबारा मजबूत होने जा रही है। आज सारे लोग, बाकी पार्टियों के लोग भी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। आज ही हमारे बीजेडी के सीनियर मोस्ट परमपुर के नेता, उन्होंने आज अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि हमारे ज़िला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं और बाकी सीनियर नेताओं की बस्ती में और इनकी लीडरशिप में गंजम डिस्ट्रिक्ट में हम सारी की सारी सीटें, असेंबली सीटें जीतेंगी और ब्रह्मपुर जो पार्लियामेंट सीट है वो भी हम जीतेंगे। अच्छा, गुटबाजी हो रहा है, कुछ ऐसे कुछ आया है आपको गुटबाजी में? और एक गुटबाजी मतलब तो ग्रुप हो रहा है कांग्रेस यहाँ पे, देखिए सबको मिलाने के लिए कुछ प्रयास? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है, डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन है, वो होना भी चाहिए, हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है और इसमें हमारे अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन सब इस देश के नेता राहुल गांधी को, खड़गे साहब को और सोनिया जी को सब मानते हैं, इसमें कोई किसी को दोराई नहीं है। जो पार्टी का डिसीजन होगा ऊपर से वो सबको मंजूर है, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्रह्मपुर सुनील कुमार साहू को रिपोर्ट, सकाळ खबर। मोबाइल फोन और संग साथी आपण को पिलाटीर पाठ पढ़ा और करियर को प्रभावित करुछि कि आपण सेतिपई विवृत कि तेबे आज ही आसंतु आपण चाहूंथिबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल। टीएससी गुरुकुल, गोठपाटन, भुवनेश्वर।